हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है वादी हर्बल फेयरनेस क्रीम। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये वादी का फेयरनेस क्रीम है, जो पूरी तरह से एक हर्बल प्रोडक्ट है। तो इसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट ही यूज़ किए गए हैं, कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है हमारे स्किन के लिए। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सेफ्रन, एलोवेरा और टर्मरिक। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारे स्किन के लिए। सैफ्रन हमारे स्किन को नेचुरली फेयर करने में हेल्प करता है, स्किन को लाइट करता है। एलोवेरा हमारे स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेटेड रखता है और सॉफ्ट स्मूथ स्किन प्रोवाइड करता है। और टर्मरिक हमारे स्किन में ग्लोइंग इफ़ेक्ट लाने में हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है तीनों के। तो इसकी प्राइस है 40 रुपीज़ और क्वांटिटी है 30 ग्राम की। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और इसे आप 36 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आती है, जिसके ऊपर आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट सारा कुछ इसमें मेंशन है और इसके अंदर आपको एक छोटी सी प्लास्टिक टब की पैकेजिंग मिलेगी, जो वाइट और पिंक कलर में है। काफ़ी छोटी सी है, क्यूट सी पैकेजिंग है और ये इतनी छोटी सी है कि आप इजली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, अपने बैग में, यहाँ तक अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं और जब मन चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है और इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं, स्मूथ है, क्रीमी है वाइट कलर में और थिक कंसिस्टेंसी की है। फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी है, माइल्ड फ्रेगनेंस है। इससे स्किन पे लगाने से बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और इजली स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन में ग्लो आ जाता है और स्किन पहले से फेयर दिखने लगती है और स्टिकी सा फील बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही ग्रीसी सा लगता है। बहुत ही लाइट वेट क्रीम है। तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में या नाइट में, या कहीं बाहर जाते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है कोई भी अच्छे फेस वॉश से। ये हमें रेडिएंट फेयर लुक देता है, बट उतना टाइम के लिए नहीं। ये मैक्सिमम 2 आवर तक हमारे फेस पे रहता है। उतने टाइम तक ये फेस पे बहुत ही अच्छा दिखता है, ग्लोइंग दिखता है। और जैसा ये क्लेम करता है कि ये ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन को ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करेगा, डलनेस को हटाएगा, इवन टोन स्किन बनाएगा। तो ये सारे क्लेम पे ये बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं लगा। आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके स्किन में सूट कर जाए। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, स्पेशली ये ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन पीपल के लिए अच्छी है, उन्हें अच्छे से ये सूट करेगा। हो सकता है कि ड्राई स्किन पीपल अगर लगाएंगे तो स्किन ड्राई हो जाए। तो अगर ड्राई होती है तो आपको इसे लगाने से पहले कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है, ताकि फेस ड्राई ना लगे। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।